उसकी इबादत शुरू कर दी और फिर मूरत बनाई गई। यहाँ तक कि शैतान ने जो वसवसा डाला तो पता यही चला कि बुत परस्ती की इब्तदा तस्वीर से शुरू हुई है। बुत परस्ती की इब्तदा तस्वीर कशी से हुई है कि वो अपने जो नेक लोग थे उनकी तस्वीरें बनाकर उसकी तासीम करते थे, बाद वालों ने इबादत शुरू कर दी। आप देखिए एक आम आदमी की तस्वीर लगी है तो लगी है, कोई तवज्जो नहीं देता है, लेकिन वहीं कोई पीर साहब की तस्वीर लगा दे तो फिर उस पर मालाएं भी चढ़ने लगती है, हार भी चढ़ाए जाते हैं और फिर अगरबत्ती भी लगाई जाती है। लोग उस तस्वीर की ताजीम करने लगते हैं जबकि तस्वीर की ताजीम हराम है, तस्वीर खुद हराम है। अब चाहे वो वालिदैन की तस्वीर हो या पीर साहब की तस्वीर हो या किसी की भी तस्वीर हो, तस्वीर हराम है, उसकी ताजीम हराम है। शरण तस्वीर और ये सब बनाना जायज नहीं है। आका ने सलातो सलाम ने जब फतेह मक्का फरमाया तो काबे शरीफ पर हजरत सिदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की और हजरत मरियम की तस्वीर बनी हुई थी। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उन तस्वीरों को धो दिया, पानी बुलवाया और उन तस्वीरों को धो दिया, मिटा दिया और मिटाकर दुनिया में पूरी दुनिया को बता दिया कि तस्वीर किसी की भी हो बनाना हराम है, तस्वीर बनाना जायज नहीं है। आज लोग यादगार के लिए तस्वीर बनाते हैं। आप देखिए कोई शादी, कोई वलीमा ऐसा नजर नहीं आता कि जिसमें वीडियो कशी ना हो रखी हो। अक्सर प्रोग्रामों के अंदर चाहे वो अकीके का मामला हो, वलीमे का मामला हो, निहारी की मनहूस और गंदी बेहुदा रस्म हो, तस्वीर कशी वीडियोग्राफी को लाजिम करार दिया गया। का क्यों? यादगार के लिए। कोई बात है कि हम याददाश्त के लिए, यादगार के लिए या अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए ये तस्वीर उठा के रखते हैं तो ये उनके झूठे बहाने, ये झूठे ढकोसले सुने नहीं जाएंगे, क्योंकि फौकियत शरीयत के कानून को हासिल है, फौकियत इस्लाम के अहकाम को हासिल है, इस्लाम के हुक्म के सामने अब किसी की कोई बात नहीं मानी जाएगी, किसी की कोई जज्बात नहीं चलेंगे, क्योंकि इस्लाम इस्लाम है, कानून इस्लाम सबसे अजीम है, इस्लाम के कानून के आगे किसी के नाजायज जज्बात नहीं देखे जाते हैं बल्कि अल्लाह का कानून देखा जाता है। बुत परस्ती की इब्तिदा तस्वीर से हुई है, तस्वीर की ताजीम की गई, बाद में उन्हीं तस्वीरों की मूरत बनाई गई और फिर उसकी इबादत शुरू कर दी गई। मुसलमानों को ऐसे तमाम अपाल से कि जिसमें तस्वीर कशी हो, वीडियोग्राफी हो, दूर रहना है, शरण इसकी इजाजत नहीं है। वक़्त अदल कसीरा और बेशक उन्होंने बहुतों को बहकाया, इनकी कौम के जो रईस थे, मालदार थे, इन्होंने अपने कौम के बहुत से लोगों को गुमराह किया, रास्ते से भटकाया। वला तज़िदि ज़ालिमीना इल्ला दलाला, और तू जालिमों को ज्यादा न करना मगर गुमराह की। यानी जब अल्लाह ताला तौफीक छीन लेता है और जब किसी जालिम को सजा देना चाहता है तो उसे और गुमराही में मुब्तला कर देता है, वो और ज्यादा गुमराही की तरफ बढ़ता है। यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब वही से मालूम हो गया कि अब ये तौबा नहीं करेंगे, पलटेंगे नहीं, तो फिर आपने भी दुआ कर दी और इन्हें गुमराह कर दी ताकि इनकी सजा भी और सख्त हो जाए। शुक्रिया अल्लाह का।
وسلم نے فرمایا تھا کہ نگران شورا یہ دنیا کے ذہین ترین افراد میں سے ہے. رب کی رضا کا راستہ, رب کی رضا کا راستہ. تاج الشریعہ نے کتنے چینل چلوائے؟ آپ کہیں گے کوئی چینل نہیں چلا. تاج الشریعہ کا یوٹیوب پر آفیشیل چینل بنا, ویڈیو بنی, تصویر بنی, نہیں نہیں. اس لیے یاد رکھنا, کوئی چینل بنا کر مشہور ہونے کی کوشش کرے تو وہ چینل والا پیر تو ہو سکتا ہے مگر دلوں والا پیر نہیں ہو سکتا. تاج الشریعہ نے فوٹو کی مخالفت کی, ٹی وی کی مخالفت کی, مگر جب دنیا سے گئے تو جنازے نے بتا دیا جو اللہ والا ہوتا ہے اس کو ٹی وی کی ضرورت نہیں. تو کیجئے بالفرض میری بیوی فلم دیکھے, ہم کو اس سے کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب قانون بدل جائے گا کیا؟ تصویر کھینچنا حرام ہے, چاہے میں کھینچوں یا میرا بیٹا کھینچے یا میری بیوی کھینچے. یہی فرق ہے اعلیٰ حضرت کے بیٹے میں اور دوسرے مولویوں میں, کہ دوسرا آدمی وقت سے سمجھوتا کرتا ہے مگر رضا کا بیٹا تاج الشریعہ بولتا ہے جو حرام تھا کل.